हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करने वाले इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आपके पेपर में चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का या बैंकिंग का, हर जगह आपसे प्रीपोजिशन सेक्शंस का सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो होता क्या है कि आपके पास कुछ एडजेक्टिव्स है, आपके पास कुछ वर्ब्स है, इनके साथ आपके पास कुछ नाउन है, इन सभी के साथ कुछ प्रीपोजिशन है जो आपके फिक्स्ड है, जो आपके फिक्स है, यानी कि आपको याद करना है कि इस सिचुएशन में अगर आ रहा है तो यही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आपको करना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये सभी के पहले आप देख रहे हो कि टू बी लगा, इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये सारे जो हमने यहाँ पर वर्ड लिखे लाइक एब्सेंट, कस्टम, एडिक्टेड, अक्वेंटेड, अफ्रेड, अशेम्ड, अमेज्ड, एंग्री, एंग्री, अवेयर, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स है। और एडजेक्टिव्स के पहले हमने लगाया टू बी, तो टू बी का मतलब आपका है इज, एम, आर, प्रेजेंट में, पास्ट में होगा वाज, वर, और फ्यूचर में होगा विल बी। और अगर किसी आप मॉडल वर्ब के साथ यूज करना चाहेंगे तो आप यूज कर सकते हैं मे बी, कैन बी, कुड बी, माइट बी, शैल बी, शुड बी, जो भी आप यूज करना चाहें। तो आप जरा समझिएगा कि कौन कौन सा एडजेक्टिव, कौन कौन सा प्रीपोजिशन अपने साथ फिक्स्ड रूप में रखा है। तो एब्सेंट के साथ फ्रॉम आएगा अनुपस्थित रहना या होना, जैसे He is absent from the class today. वो आज क्लास से अनुपस्थित है। To be accustomed to का आदि होना and to be addicted to का आदि होना। दोनों में अंतर को समझिएगा कि accustomed to positive sense में यूज करते और addicted to negative sense में यूज करते। Like I am accustomed to speaking English, मतलब मैं अंग्रेजी बोलने का आदि हूँ, and I am addicted to drinking wine, मैं शराब पीने का आदि हूँ। तो जब negative sense होगा तो addicted use करिएगा, और अगर positive होगा तो custom use कीजिएगा। Acquainted with से परिचित होना, like I am acquainted with Mr. Sharma, I am acquainted with Mr. Sharma, मैं Mr. Sharma से परिचित हूँ। Afraid of से डरा हुआ, He is afraid of dogs, वह कुत्तों से डरी हुई है या कुत्तों से डरती है। To be ashamed of, शर्मिंदा होना, You should be ashamed of your behavior, तुम्हें अपने behavior पर शर्मिंदा होना चाहिए। And amazed at, आश्चर्यचकित होना, Like I am amazed at his behavior, हम उसके behavior पर आश्चर्यचकित थे। Positive या negative कोई भी sense हो सकता है। Angry at और angry with, जब angry at इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है किसी चीज से नाराज होना, Like I am angry at your behavior, मैं आपके बिहेवियर से नाराज हूं। एंड एंग्री विद से नाराज होना, यानी आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे नाराज हूं। टू बी अवेयर ऑफ, जागरूक होना, लाइक वी शुड बी अवेयर ऑफ द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक के नियमों से जागरूक होना चाहिए, यानी कि हम लोग को पता होना चाहिए क्या है ट्रैफिक के नियम। तो आई होप ये सारे वर्ड्स बिल्कुल फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं, आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो प्रीपोजिशनल एरर इनके साथ अपडेट नहीं होने हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।